प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्वेदि वेदस्य महाणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वत्कारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओ महाराज युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर मेरी मदद कीजिए। मैंने अपनी अरणि और मंथन काष्ठ एक पेड़ की डाली पे टांग के रखा था, अचानक वहां पर एक हिरण आया और अपने शरीर को उस पेड़ से रगड़ने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी अरणि और मेरा मंथन काष्ठ उसके सींग में फंस गया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वो हिरण चौकड़ी भरता हुआ आश्रम से ओझल हो गया। आगे मेरी अरणि और मेरा मंथन काष्ठ मुझे वापस नहीं मिला तो मैं अग्निहोत्र नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वीर पांडवों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उस हिरण के पैरों के निशान देखते हुए जाइए और मेरी अरणि और मेरा मंथन काष्ठ मुझे वापस ला दीजिए। अरणि और मंथन काष्ठ, यज्ञ के दो उपकरण। मंथन काष्ठ को अरणि में दही की तरह बिलोने पर लकड़ी के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। आग जलाने का यह प्राचीन तरीका ब्राह्मणों के लिए बहुत महत्व का था, इसलिए उस ब्राह्मण की अरणी और मथनी को ढूंढने पांचों पांडव कमर कसकर उस हिरण के पीछे दौड़े। घोर प्रयत्न करने पर भी वह हिरण उनके हाथ न लगा और थक हार कर भूखे प्यासे पांडव घने वन में एक बरगद के नीचे आकर बैठ गए। राजन, ये कैसा धर्म संकट है, जिनके हाथों कभी धर्म और अर्थ का नाश नहीं हुआ, आज वही पांडव एक ब्राह्मण की अरनी और मतनी नहीं ला पा रहे। नकुल, पहले किया हुआ पाप और पुण्य ही दुख और सुख के रूप में सामने आता है। यदि मैंने दुशासन का उसी समय वध कर दिया होता जब वो द्रौपदी को दासी की भांति बलपूर्वक खींचकर भरी सभा में लेकर आया था, तो आज हम इस धर्म संकट में नहीं पड़े होते। राजन, हड्डियों को चीर कर रख देने वाले कर्ण के कड़वे वचन को सुनकर भी हम चुप रहे, इसीलिए आज हम इस धर्म संकट में पड़े हैं। राजन, जब शकुनी ने आपको जीत लिया, उसी समय अगर मैंने उसे मार डाला होता तो आज हम इस धर्म संकट में नहीं पड़ते। यह समय आक्रोश व्यक्त करने का नहीं है। नकुल, किसी पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखो, शायद कहीं जल दिखाई दे। प्यास से हम सभी का बुरा हाल है। जी भैया। और भाई की आज्ञा पाकर नकुल एक पेड़ पर चढ़ गया। भैया, मैं दूर बहुत से ऐसे वृक्ष देख रहा हूँ जो जल के पास ही पाए जाते हैं, और वहां से सारसों की आवाज भी सुनाई दे रही है। निसंदेह आसपास ही कोई सरोवर है। तो दौड़ कर जाओ और कुछ तरकसों में पानी भर कर ले आओ। हाथों में तरकस लिए नकुल भागता हुआ दूर एक सरोवर पर पहुंचा। मेरा अनुमान सही था, पहले मैं पानी पी लूं फिर तरकसों में पानी भर ले जाता हूं। ठहरो माद्री कुमार नकुल, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। कौन हो तुम? मैं इस जल का स्वामी हूं। यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का साहस किया तो तुम तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगे। पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर देखता हूं कौन मृत्यु को प्राप्त होता है।
सावधान नकुल। सहदेव, नकुल को यहां से गए बहुत देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तुम दौड़ते हुए जाओ और नकुल को बुला लाओ। जी भैया। जाओ। नकुल, नकुल तुम कहां हो? नकुल, नकुल, नकुल क्या हुआ तुम्हें? उठो नकुल। पहले दो घूंट पानी पी लो, फिर नकुल को उठाता हूं। शायद प्यास के कारण पानी पीने से पहले ही बेहोश होकर गिर गया है। ठहरो। यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का साहस किया तो तुम तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगे। तो तुमने मेरे भाई को मारा है। उत्तर न मिले तो प्रश्न हत्या करते हैं सहदेव। मृत और अमृत के बीच प्रश्नों की चुनौतियां खड़ी हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तो तुम मृत्यु को पार कर जाओगे। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो भैरूपिये, लेकिन पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर मैं तुम्हारी चुनौती भी स्वीकार करता हूं। सावधान सहदेव, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। नकुल, सहदेव, नकुल, सहदेव, सहदेव, नकुल, तुम दोनों को क्या हुआ? जिसने भी मेरे भाइयों के साथ छल किया हो वह सामने आए। कुंती नंदन, क्यों तुम भी अपने भाइयों की तरह मरना चाहते हो? मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम इस सरोवर का जल नहीं पी सकते। तुम जो भी हो, साहस है तो मुझे सामने आकर रोको। शब्द पर बाण चलाने वाला मुझे सामने आने की चुनौती दे रहा है। पार्थ, इस प्रकार निर्दोष प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल पियो। और यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने का साहस किया तो तुम भी तत्काल मृत्यु को प्राप्त होगे। ठहरो मायावी, पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर मैं तुम्हें देखता हूं। भीम, सहदेव और अर्जुन को पानी के लिए गए बहुत देर हो गई है। जाओ तुम जाकर देखो कि वो अब तक लौट क्यों नहीं रहे। और कुछ देर बाद भीम भी अमित तेजस्वी यक्ष के सामने खड़ा था। आज मुझे तुमसे युद्ध करना ही पड़ेगा राक्षस, पर पहले मैं थोड़ा पानी तो पी लूं। और कुछ देर बाद पुरुष रत्न महाबाहु राजा युधिष्ठिर ने उस भयावह जंगल में प्रवेश किया जहां मनुष्यों की ध्वनि तक सुनाई नहीं पड़ती थी। महाबाहु भीम, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ा लूंगा। आज तुम्हारे इतने गिर जाने से
मेरे लिए वो सब कुछ व्यर्थ हो गया। साधारण मनुष्यों की बातें और प्रतिज्ञाएं तो झूठ हो सकती, पर तुम लोगों के बारे में जो महान भविष्यवाणियां हुई थी झूठी कैसे हो सकती। इन वीरों को किसने मार गिराया? इनके शरीर पर अस्त्र शस्त्रों के आघात का कोई चिन्ह भी नहीं है, न ही स्थान पर किसी दूसरों के पैरों के निशान। संभव है दुर्योधन ने कोई षड्यंत्र किया हो, या गांधार राज शकुनी ने। आयु पूरी होने पर सबका अंत कर देने वाले यमराज के अलावा इन वीरों से कौन भिड़ सकता है? पहले थोड़ा पानी पी लो, इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता हूं। महाराज युधिष्ठिर, मैंने ही तुम्हारे चारों भाइयों को यमलोक भेजा है। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने जल पीने का प्रयत्न किया तो तुम यमलोक के पांचवें अतिथि होगे। बड़े बड़े युद्धों में जिन वीरों को देवता, गंधर्व, असुर और राक्षस भी नहीं जीत सके, ऐसे वीरों को धराशायी करने वाले तुम कौन हो? मैं यक्ष हूं। राजन, मैंने तुम्हारे भाइयों को बार बार रोका परंतु वे नहीं माने और मृत्यु को प्राप्त हुए। यक्ष देवता, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल नहीं पीऊंगा, इसलिए तुम मुझे प्रश्न करो। कौन हूं मैं? अरे, ये प्रश्न तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कभी नहीं पूछा था। ये तो यक्ष संवाद चूक गया, कहीं ये जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा है। ये दोनों अपनी निजी लड़ाई मंच पर क्यों लड़ रहे हैं? कुछ बोल, कुछ तो बोल युधिष्ठिर, कुछ तो बोल। तुम न ये शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्व साक्षी है। ये तो अष्टावक्र के संवाद बोल रहा है। बोलने दो, जब तक कोई यक्ष प्रश्न पर नहीं आता उसे कुछ भी बोलने दो। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, उसे जानना ही मोक्ष है। शाबाश युधिष्ठिर। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, यही जन्म का कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। वासना और जन्म का संबंध क्या है? जैसी वासना वैसा जन्म, यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। इन्हें रोको सूत्रधार, इन्हें रोको। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ, भय संसार के दुख के कारण है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या रूप है उसका? क्या वह स्त्री है या पुरुष? सूत्रधार, ये यक्ष आज युधिष्ठिर को हरा कर रहेगा, किसी तरह रोको उसे या नाटक को। हे यक्ष, कारण के बिना कार्य नहीं, यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वो भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो न स्त्री है न पुरुष। उसका स्वरूप क्या है? वो सच्चित आनंद है। वो अनाकार ही सभी रूपों में स्वयं को व्यक्त करता है। वह अनाकार स्वयं करता क्या है? वो ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो
फिर ईश्वर की रचना किसने की? वह जन्मा, अमृत और अकारण है। भाग्य क्या है? हर क्रिया हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, परिणाम बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। सूत्रधार, पर्दा गिरा दे। नहीं युधिष्ठिर, आज अनजाने में मनुष्य के मन पर पड़े हुए बहुत से पर्दे उठा रहा है। सच्चा प्रेम क्या? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। तो आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। मेरे प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए युधिष्ठिर। मेरे उत्तर अभी शेष हैं यक्ष देवता। ये दोनों लड़ने को तैयार हैं सूतधार। आप कहें तो मैं मधुमक्खी बन यक्ष को काट दूं। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। नशा क्या है? आसक्ति। चोर कौन है? इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं, चोर है। जागते हुए भी सोया कौन है? जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते पर पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? यौवन, धन और जीवन। नर्क क्या है? इंद्रियों की दास्ता नर्क है। मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब छोड़ने को तैयार हो। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। वह क्या है जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी? माया। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्म। यक्ष महाराज, क्या तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो गए? नहीं, प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते। पर ये वे मूलभूत प्रश्न हैं जो हर विद्यार्थी को अपने आचार्य से करने चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर के द्वार खटखटाता है। प्रश्न ही उपलब्धि द्वार है। अपने भाइयों को ढूंढने आए और जल पीने आए युधिष्ठिर ने एक एक कर यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यक्ष प्रसन्न था। मैं प्रसन्न हूं युधिष्ठिर, इसलिए अपने चारों भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वह जीवित हो सकता है। यक्ष, ये जो श्याम वर्ण अरुण नयन सुविशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाए। युधिष्ठिर, तुमने अपने चारों भाइयों में से नकुल को क्यों चुना? यक्ष, मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। मेरे लिए जैसी कुंती वैसी ही माद्री। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखता हूं। मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूं, इसलिए चाहता हूं कि माद्री का एक पुत्र जीवित हो। युधिष्ठिर, तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और समता का आदर किया है, इसलिए मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित करता हूं। और ये लो, ब्राह्मण की अरणी और मंथन काष्ठ। यक्ष को अपने प्रश्नों का उत्तर, पांडवों को जल और ब्राह्मण को अपना अरणी और मंथन काष्ठ वापस मिल गया।
अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वह जो अखंड मंडलाकार है, वह जो चर और अचर दोनों में विद्यमान है, वैसे ब्रह्म के पद से साक्षात्कार कराने वाले गुरु को नमस्कार है। कौन हूं मैं? बराबर हर भारतीय दर्शन में जैसे आत्मा है, वैसे ही अनात्मा भी है। क्या है यह अनात्मा, देखिए अगले प्रकरण में। कृष्ण सुभद्रा संवाद और सावित्री यम संवाद से अनात्मा का उद्घाटन। यस्य प्रसादात् भवमंगलार्था प्रसूत गंगोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नस्स शिवस्वरूप स्वरूपः।